अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। कोल्हापुर मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता ही नजर आ रहा है। भाजपा संघ की जानिब से अब औरंगजेब के जरिए सियासत करने की नौबत आन पड़ी है। तमाम हरबे पैंतरे इस्तेमाल करने के बाद अब तारीखी शख्सियतों के सहारे चुनाव जीतने की एक और कोशिश भाजपा को करते हुए देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में अब चर्चा औरंगजेब की जारी है। क्या वाकई औरंगजेब देश विरोधी शख्सियत के तौर पर पेश करना चाहिए या करने की कोशिश जारी है? भाजपा प्रवक्ताओं को मुगलों पर खुलकर हमला करते हुए देखा जा रहा है। अब पुराना हिसाब किताब भी देखा जा रहा है। कौन कौन लोग थे जिन्होंने औरंगजेब के कब्र पर गलीफ यानी फूल मालाएं चढ़ाई, इसका भी हिसाब किताब किया जा रहा है। कर्नाटक के चुनाव ने बहुत सारे समीकरणों को बदल दिया है। हासिल इत्तला के मुताबिक कर्नाटक में टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश मनाई जाएगी, ऐसा कांग्रेस की नई सरकार की जानिब से ऐलान किया गया। वजीर आला सिद्धरामैया ने हाल ही में 5 जून को इसका ऐलान किया। अब इसे आग में घी डालने के बराबर कह सकते हैं, लेकिन भाजपा कर्नाटक में मजबूर है क्योंकि शेर मैसूर टीपू सुल्तान कर्नाटक की शान है। भले ही भाजपा ने टीपू सुल्तान को कर्नाटक में खलनायक के रूप में पेश करने की कोशिश की, मजीद इसे कन्नड़ विरोधी भी साबित करने की कोशिश की। अब इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में औरंगजेब का सहारा लेने की कोशिश महाराष्ट्र की भाजपा हुकूमत कर रही है, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। भाजपा के लिए अब हिंदुत्व की सोच रखने वाली शिवसेना भी रिकॉर्ड बनी हुई है। भले ही औरंगजेब पर शिवसेना और भाजपा का नजरिया एक जैसा ही हो, आज महाराष्ट्र में एक और सरगर्मी देखने को मिली जिसमें अब राष्ट्रवादी कांग्रेस भी कूद पड़ी है। औरंगजेब का मुआवजना एनसीपी के सदर शरद पवार से भाजपा के नीलेश राणे ने किया और कहा कि शरद पवार इस दौर के औरंगजेब लगते हैं। इस बात को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कारकुनान में गुस्सा नजर आ रहा है और पूरी रियासत में भाजपा के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तो जेल भरो आंदोलन का इशारा दिया हुआ है। कुल मिलाकर देखी जाए तो महाराष्ट्र की सियासत औरंगजेब के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। क्या इस तरह तारीखी शख्सियतों के नाम पर सियासत कामयाब हो सकती है? क्योंकि कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर तो भाजपा पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इस दौर के आवाम को एक वक्त तक ही धर्मजात पात नफरत टीपू औरंगजेब के नाम पर भड़काया जा सकता है। अगर यही तारीख के लोग इतने खराब थे तो पिछले 70 सालों से दिल्ली में औरंगजेब रोड था। अगर वाकई औरंगजेब देश विरोधी था तो पहले एतराजात क्यों नहीं दर्ज किए गए? मतलब अपने सहूलतों के हिसाब से किसी के नाम का सहारा लेकर तब्दीली करने की कोशिश की जाती है और किसी को देशभक्त और देश विरोधी बनाने की तहरीक भी चलाई जाती है। हाल ही में भाजपा इख्तदार के बाद इस तरह का मामला शुरू हुआ है, लिहाजा महाराष्ट्र में तनाव का माहौल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अमोल मेटकरी ने कहा कि नीलेश राणे एक दल बदलू नेता है जिसे भाजपा के सहारे की जरूरत है। जो भी बयान शरद पवार को लेकर भाजपा के नीलेश राणे ने दिया है इसकी पुरजोर मजम्मत की गई। कर्नाटक चुनाव के बाद बदलता सियासी समीकरण भाजपा के लिए फिक्र का बास बनता जा रहा है। भाजपा और संघियों की नींदें उड़ चुकी हैं, लिहाजा कर्नाटक में जब से कांग्रेस हुकूमत आई है इनका सुकून खत्म हो चुका है, ऐसा भी कहा जा रहा है। कांग्रेस ने 5 गारंटी को जल्द लागू करने का ऐलान बारहा किया, लेकिन इन्हें सब्र नहीं। लाइट बिल को लेकर अभी से एहतजाज जारी है। यकीनन लाइट बिल दुगना वसूल करने के वाकई बारहा सामने आ रहे हैं। 200 यूनिट मुफ्त की बजाय दुगना दाम यूनिट को वसूलने की बात भी कई जगहों पर पेश आ रही है। हमारी भी गुजारिश यह है कि फिरकापरस्त पार्टी को बेदखल करके सेक्युलर हुकूमत को लाया गया है। पूरा मुल्क उम्मीद से देख रहा है, लिहाजा फिर से भाजपा को किसी तरह सड़क पर उतरने का मौका न दिया जाए। सवाल ये भी उठता है कि 500 का गैस 1100 रुपये हुआ तब तो किसी को महंगाई का झटका नहीं लगा, लेकिन बिजली का झटका जल्द महसूस किया जा रहा है। क्या ये भाजपा ही महंगाई पर कुछ बोल पाएंगे? क्योंकि भारत में पिछले 50 सालों में तारीख के महंगाई के मियार को छू लिया है। हम किसी पार्टी की हिमायत नहीं करते, लेकिन एक हुकूमत के बाद जब दूसरी हुकूमत आती है तो संभलने के लिए कुछ वक्त जरूर लगता है और आवाम को भी इस हुकूमत को कुछ दिन संभलने के लिए देना होगा। कर्नाटक के चुनाव को मामूली न समझा जाए, क्योंकि मुल्क की असल दिशा को मोड़ने का काम कर्नाटक चुनाव ने किया है और इसका सहारा इस रियासत की तमाम आवाम को मिलना चाहिए। लेकिन इख्तदार पर किसी भी काम को अंजाम न देते हुए मैं धर्म हलाल झटका मंदिर मस्जिद हिजाब के आड़ में सियासी ऐशो आराम का मजा लूटने वालों के लिए बेचैन होना भी लाजमी है। यहाँ भी टीपू सुल्तान को लेकर माहौल को आलूदा करने की कोशिश की गई। टीपू सुल्तान हिमायतों को देश विरोधी कहा गया, यहाँ तक कहा गया कि इन्हें मारकर यहाँ से भगा देना चाहिए, जैसे आज महाराष्ट्र में औरंगजेब का नाम लेने वालों को कहा जा रहा है। और अगर वाकई कोई भी तारीखी शख्स जिसका नाम लेना देश विरोधी है तो सरकार तो भाजपा ही की तो है, फिर कोई सर्कुलर क्यों नहीं निकाला जाता? खैर, आज जिस तरह शरद पवार का औरंगजेब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह कर्नाटक में भी भाजपा के रियासती सदर नवीन कुमार कटील ने सिद्धरामैया को भी टीपू की तरह मारना होगा का बयान दिया था, जिसका नतीजा सभी ने देखा। भाजपा का नफरती एजेंडा नाकाम हुआ और कर्नाटक से ही भाजपा को बेदखल किया गया और कांग्रेस के 5 गारंटी योजनाएं कामयाब हुई।
लिहाजा महाराष्ट्र में भी अगर भाजपाइयों को भगाना है और इन्हें हुकूमत से बेदखल करना है तो नफरती एजेंडे को नजरअंदाज कर महंगाई बेरोजगारी के सवालों को सामने लाकर गरीबों के हक में बात की जाए। और आवाम भी अब धर्म नफरत मंदिर मस्जिद से उग चुकी है, उसे इत्मीनान की जिंदगी चाहिए। मंदिर या मस्जिद में जाने वाले दोनों इंसान है और तमाम इंसानों की जरूरतें एक जैसी होती है। फसाद नफरत खून खराबे से महज कुछ लोगों का फायदा होता है और इस बात को अब आवाम समझने लगी है और इसकी दलील कर्नाटक कह सकते हैं। टीपू सुल्तान की जयंती इस बार सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। जरूरत नहीं कि डीजे के साथ बड़ा जुलूस निकाले, और अगर डीजे के साथ जुलूस निकालते हैं तो उस बुजुर्ग की बेहरमती है। सिर्फ टीपू की तारीख को अपने बच्चों को पढ़ाए और देश के लिए अपनी जान देते हुए शहीद टीपू ने कहा था कि एक दिन की शेर की जिंदगी 100 साल गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है। आज भी उस अजीम मिसाइल मैन की तस्वीर नासा के दफ्तर में लगी हुई है और यही संगियों की तकलीफ है। भले ही कुछ संगियों को इससे भी ज्यादा तकलीफ होती होगी, लिहाजा हमेशा नफरत हार ही जाती है। भले ही कुछ वक्त जरूर लगता है, जल्द महाराष्ट्र में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा, इतना जरूर कह सकते हैं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। लेडीज घ्या तुम्ही। Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Shabbat Shalom!